मैं फाटक पे यहाँ गाड़ी आ रही थी भाई साहब, तो मेरे को गाड़ी दो मोटरसाइकिल वाले रोका, उन्होंने खालिस्तान पीछे ही कर। तो मैं भाई खालिस्तानी क्यों कह रहे हो मेरे को, तो यहाँ आके मेरे खाती है काम कर दिया। क्या 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 मारा भाई आपको? पता नहीं ईंटों के साथ मारा है, आपके सामने जो कुछ है। आप जानते हो कौन थे? ना मैं नहीं जानता भाई साहब, मैं नहीं जानता। कोई किसी को गाड़ी बाइक नंबर कुछ वगैरह? नहीं मेरे को पता नहीं लगा भाई साहब ये पास थे। शख्स है जो अपना दुखड़ा बयान कर रहा है कि इस नाल की वापरिया। शहर के गुंडे बदमाशा तो हुण वीआईपी एरियाज भी सेफ नहीं रहे, क्योंकि देर रात इस सिख व्यक्ति ते दो लोगों ने हमला कर दिता ते उसनु खालिस्तानी भी बोलिया गया। सुखविंदर सिंह का इल्जाम है कि उसनु खालिस्तानी बोलिया गया ते जदों उस वल्लों विरोध किया गया तो उसके सिर दे विच उन्हां व्यक्तियों ने इट मार दी, जिस कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह व्यक्ति फर्नीचर का काम करता है, जो देर रात अपनी दुकान बंद करके जा रहा सी तां इसनू दो लोगों ने घेरा पा लिया ते इस वारदात नू अंजाम दिता। यह मामला कैथल तो सामने है। फिलहाल जख्मी हालत दे विच सुखविंदर सिंह दा अस्पताल दे विच इलाज चल रहा है ते उन्होंने पुलिस तो इंसाफ की गुहार लगाई है। सर सुखविंदर सिंह का नाम है। क्या हुआ? सर मैं अपना रात 9:50 में अपना शोरूम बढ़ाया, तो 9:54 पर अपना फाटक पे चला गया। वहाँ दो लड़के खड़े थे, फाटक बंद था, तो मेरे को उन्होंने खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया। तो मैं भाई ऐसा क्यों बोल रहा तू? तो उसके बाद हमारी कहा सुननी होती, फाटक खुल गया तो आगे भी जाके ऐसे ही बोलते रहे। तो उन्होंने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो रास्ते में रुक के हम और रुक गए, एक बंदा उतर के मेरे पे हाथ सफाई कर दी, मैं भी अपना उतर गया, तो दूसरे ने मेरे से पीछे ईंटों से वार कर दिया। बोले कि हम 84 वाला काम करके दिखाएंगे आपको, भाई 84 बुला देंगे। अरे एक कत्ल मैंने पहले भी किया है, उसकी सजा और मिल जाएगी, मेरे को कोई बात नहीं है। बस ये बात कह के पीट के वो चले गए जी। तो फिर क्या? मैं सर शोरूम में अपना। तो फिर उसके बाद क्या मारा? मेरे सिर पे सर ईंटें मारी। तो हाँ जी सर, पुलिस कम हाँ जी, रात 3 गाड़ी आई थी पुलिस की। तो सर अभी तक तो कुछ नहीं निकला, बाकी उनका नंबर नहीं आ रहा, तो रात ज़्यादा अंधेरे के कारण वो इधर डांड रोड की तरफ चले गए थे। सर ये अपना रेलवे जो अपना बस स्टैंड वाला रोड है ना, इसके ऊपर है, फाटक के ऊपर ही। नहीं सर कोई रंजिश नहीं है मेरी, नहीं मैं नहीं जानता। मेरा नाम राजू भाई है। क्या देखा आपने रात को? मैं रात को तकरीबन 9:45 के आसपास, मैं 19 सेक्टर की जो मार्केट है मैं उससे घर की तरफ जा रहा था, तो डीसी साहब की कोठी के पास जो मोड़ है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो मैं इधर गाड़ी रोकी, मैंने देखा कि दो लड़के थे, तो वो एक सरदार जी थे, तो उसको मार रहे थे। तो मैं उतर के गया, मुझे लगा पहले उनके हाथ में कोई हथियार है, तो मैं भी थोड़ा सा डरा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई तो मैं पास में गया, तो उनके हाथ में ब्लॉक्स थी, वो ब्लॉक्स होती है जो ईंट वाले, तो उसको सिर में उसको मार रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो मैंने वो पास में जाके उनको छुटवाया, मैं सरदार जी को छुटवाया उनसे, उनको ईंट छीनी मैंने, वो ईंट फेंकवाई उनकी। तो वो जाते वो बल्कि उसको ये भी बोल रहे थे सरदार जी को, मैं बड़ा मुझे दर्द महसूस हुआ इस बात का कि भाई खालिस्तानी हो आप, और जाते हुए उन्हें जब भागे वो तो उन्होंने उनको ये बोला कि 84 वाला हाल कर देंगे। तो मुझे लगा कि मामला गंभीर है जिस तरीके से उनकी जो वर्डिंग थी। तो मैंने मौके पर फिर SP मैडम का फ़ोन किया, तो मैडम ने फ़ोन उठाया, तभी तुरंत मैडम ने एक्शन लिया, SHO को बोला, SHO मैडम भी मौके पर आई, तभी 5 मिनट के अंदर 3-4 गाड़ियां पुलिस की भी आई। तो सरदार जी को वो हॉस्पिटल लेके गए, तो छुटवाया उनको, कोशिश भी की, मैंने बताया कि वो डांड रोड की तरफ भागे हैं वो जो दो लड़के थे, लेकिन उन पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। तो हाँ उन दो जो दो लड़के थे उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, तो वो काफ़ी हेल्दी थे, और जब उन्होंने ये बोला कि भाई 84 वाला हाल करेंगे खालिस्तानी, तो फिर मुझे ये लगा कि भाई इनकी मैं बाइक देखता हूँ, वो बाइक पे थे, पर तब तक मैंने सरदार जी को बचाया और मैं फोन निकालने लगा, तो मैंने सिर्फ नंबर HR 32 देखा, HR 32 का नंबर था, मैं पूरा नंबर नहीं देख पाया। ना ना मुझे नहीं लगता कि सरदार जी ने ड्रिंक की थी। सरदार जी तो जब बाद में उनकी वाइफ भी आई, उनके पिता भी आए, उनके जो घरवाले सभी आए, तो वो उन्होंने बताया कि सरदार जी यहाँ दुकान करते हैं, और स्कूटी पे थे वो, और स्कूटी पे उनका टिफिन भी था, उनके जो घर का सामान भी था उन्होंने वो लिया हुआ था। तो फिर जब देखा तो पुलिस आई, उनको लिख गई। रात सूचना हमें भी मिली थी, जो मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, अभी जो
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो बात सामने आई है वो ये बात सामने आई है, फाटक के पास बाइक और एक्टिवा पे ये था तो इनका झगड़ा हुआ है। अभी स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में हमारी इंक्वायरी जारी है। कोई गाड़ी का नंबर, कोई आरोपियों की पहचान? अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं लेकिन अभी स्पष्ट कोई फुटेज हमें नहीं मिली है, थोड़े बहुत क्लू मिले हैं लेकिन उस पर पुलिस काम कर रही है। शिकायत में क्या आरोप लगाया? शिकायत अभी कंप्लेनेंट की तरफ से हमें मिली नहीं है और रात कंप्लेनेंट ने भी थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी तो उसने सुबह तक का समय लिया था, भी सुबह मैं आपको अपनी कंप्लेंट दे दूंगा। तो हालात कैसे? अभी तो वो दोबारा रात तो एडमिट नहीं थे लेकिन अब दोबारा से पता लगा कि वो एडमिट है लेकिन ठीक है कंडीशन। सीसीटीवी फुटेज कुछ हमारे हाथ लगे, पुलिस उन पे काम कर रही है। सुनने में ये भी आया मैम HR नंबर की कोई बाइक है जिसपे दो अभी जो इसने बताया वो दो बाइक सवार का नाम लिया है, अज्ञात अभी बताया जा रहे हैं, इसके अभी पहचान पुलिस कर रही है। अभी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई और जैसी शिकायत मिलेगी हम कार्रवाई तुरंत उस पर कर रहे हैं। ये सेक्टर 19 का रहने वाला है, ये करीब 9 से 10 बजे के बीच की घटना है और ये अपना DC रेजिडेंस से फाटक के पास की घटना है। मौके पे ये बताया गया मैम HR 32 नंबर की कोई बाइक है? अभी वो हम जांच में हमारे सामने जो भी आएगा वो फिर आपको दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।